ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। यूपी के आगरा में 20 नवंबर को कोठी मीना बाजार में हुई पीएम नरेंद्र मोदी की परिवर्तन जनसभा में खर्च हुए करोड़ों रुपए को लेकर कांग्रेसियों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेसियों ने बीजेपी की रैली में खर्च का हिसाब मांगने के साथ ही आयकर विभाग, सर्विस टैक्स, डीएम आगरा और नगर निगम में आरटीआई लगाकर जवाब मांगा है। पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर कांग्रेसियों ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी की जनसभा में खर्च को लेकर बीजेपी नेता गिरधारी लाल गोयल ने करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होने की पोस्ट अपने फेसबुक अकाउंट पर की थी। इस पोस्ट को आगरा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम शंकर कठेरिया ने भी लाइक किया था। जाहिर सी बात है कि नोटबंदी के दौरान जहां आम जनता चंद नोटों के लिए तरस रही है, ऐसे में बीजेपी ने इतनी भारी भरकम रकम का इंतजाम कहां से किया था। कांग्रेस ने इसे चैलेंज के रूप में लिया है। जिस तरीके से मोदी जी की रैली वाले दिन सैकड़ों शादियां कैंसिल हुई और उन्होंने जो 5 करोड़ रुपए आगरा में लौटाए, आगरा की जनता आने वाले चुनाव में इसको जवाब देगी। आगरा में और ये आगरा के जो सांसद हैं डॉक्टर श्री राम कठेरिया जी, उन्होंने ये बात माना कि 5 करोड़ खर्च हुए हैं। तो हम पूछना चाहते हैं 5 करोड़ काला धन था या नई करेंसी में आपने पैसे दिए जो टेंट वालों को, होटल वालों को, बस वालों को, खाना वालों को, झंडे वालों को, होर्डिंग वालों को, तो क्या पुरानी दिए? और पुरानी दिए तो कहाँ से आई आपके पास पुरानी, बताएं? और आपने चेक से दिए तो वो चेक किस खाते से दिया है? क्या बीजेपी के कार्यालय में आगरा में 5 करोड़ नंबर 1 का था? तो ये हमने सवाल जिलाधिकारी से, इनकम टैक्स कमिश्नर, सेंट्रल एक्साइज कमीशन, नगर आयुक्त, नगर निगम सबसे पूछे गए कि आपने कितना 5 करोड़ खर्च हुए हैं, 5 करोड़ का टैक्स, सर्विस टैक्स वसूल किया गया या नहीं किया गया।